नमस्कार, आज हमारे बीच है अपराजिता तिवारी, झारखंड मिस झारखंड 2019 की विनर। इनका लक्ष्य है बॉलीवुड में कुछ नाम कमाना और हजारीबाग का नाम रोशन करना। तो अपराजिता जी, आवाज़ डेली हर्षित टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अपना लक्ष्य बॉलीवुड को बनाया है, तो क्या घर में आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, पूरा सपोर्ट है। क्योंकि हजारीबाग अभी उस जैसा शहर तो बना नहीं है जहाँ लोगों ब्रॉड माइंडेड हैं लोग जी। तो परिवार के लोग चाहते हैं कि आप बॉलीवुड में जाएं और वहाँ एक्टिंग करें और नाम रोशन करें परिवार का, हजारीबाग का। मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव है, इवन आई थिंक कि सबके मम्मा पापा को इतना सपोर्टिव होना चाहिए। जिस भी फील्ड में उनके बच्चे जाना चाहते हैं उसमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको यह ध्येय कैसे आपने बना लिया कि आप बॉलीवुड में जाना चाहेंगे, एक्टिंग का शौक कहाँ से लगा? एक्चुअली मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था। जब हम छोटे थे तो जब भी घर पे टीवी सीरियल्स एंड ऑल चलता था तो मेरा आदत था कि मम्मा को हम कैरेक्टर में डाल देते थे टीवी ऑफ होने के बाद, और मम्मा को उस कैरेक्टर में बना के हम एक्ट करते थे, मम्मा ये मम्मा वो। तो तब से कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट आने लगा मेरे में कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे मॉडलिंग बहुत पसंद है। तो वो चीज़ धीरे धीरे इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। तो माँ भी आपकी एक्टिंग में थी या फिर माँ क्या है, सामान्य गृहिणी है कुछ है? मम्मा पहले गवर्नमेंट टीचर थी जी, एंड देन अभी हाउसवाइफ है। तो पूरा सपोर्ट कर रही है कि बेटी आगे बढ़े। बहुत। तो आपने DAV से पास आउट किया 12th, और अभी यहाँ पढ़ रही हैं कॉलेज में। हाँ, तो आप समय कैसे निकाल पाती हैं कि एक्टिंग में आप समय कैसे निकाल रही हैं? अब कहते हैं ना, जिस चीज़ में पैशन हो आपका उसके लिए आप समय निकाल ही लेते हो, और उसमें समय निकालना नहीं होता है, वो हो जाता है क्योंकि आपको वही करना है। तो 24 घंटा आपके दिमाग में वही चल रहा होता है कि आपको वो करना है, तो वो आपका एक एम होता है, एक मोटिव होता है। DAV स्कूल से स्टेफी भी पढ़ी है। हाँ। और वो भी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन कर रही है, और एक कालरा भी है जो DAV स्कूल से पढ़ी है। तो आपको उस कड़ी में आपका भी नाम जुड़ रहा है। आप अभी कुछ उपलब्धि भी सुने कि आपके नाम से कुछ उपलब्धि भी है, क्या है हमारे दर्शकों को बताएं? पिछले साल मैं मिस झारखंड 2019 बनी थी, जो इवेंट रांची में हुआ था, एंड आफ्टर अभी मैं मिस एशिया ग्लैमर 2020 की फाइनलिस्ट हूँ, जो शो अभी फरवरी में होने वाला है, एंड होप सो मैं इस शो को भी जीतूँ। हम लोग की तरफ से आपको पहले अग्रिम बधाई दे देते हैं कि आप शो जीतिए और हजारीबाग का नाम रोशन करिए। लेकिन यह दर्शकों को यह भी बताइए कि जो हजारीबाग का परिवार है, जो जिनकी बच्चियां आगे जाना चाहती है लेकिन परिवार से उनको कोई मदद नहीं मिलता है, तो ऐसे परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहें वही उसी चीज़ में आपके बच्चों की रुचि हो। ऐसा भी हो सकता है उन्हें मॉडलिंग पसंद हो, उन्हें एक्टिंग पसंद हो, उन्हें स्पोर्ट्स लाइन पसंद हो, या फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई पसंद हो, उन्हें जो भी पसंद है अगर आप उसमें उन्हें दिल से सपोर्ट करेंगे तो वो उसमें ज़रूर सक्सेस पाएंगे और बहुत ज़्यादा ऊँचाई को छुएंगे वो। तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। बॉलीवुड को आपने अपना लक्ष्य बनाया है, तो उस अनुरूप मेहनत भी आप करती होंगी घर में? हाँ। क्या करती हैं? मेरे को उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। पहले तो बॉडी हमेशा फिट रहना चाहिए, डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, आप हमेशा कुछ भी नहीं खा सकते, बहुत सोच समझ के खाना होता है। फिर हमेशा अपने एक्टिंग लेवल पर ध्यान देना, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, उसके लिए आप हिंदी इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हैं, आफ्टर दैट कुछ कुछ शोज़ देखना यूट्यूब से, या फिर अपने जो भी आपके मोटिवेशन है उनके बारे में जानना, तो उससे बहुत कुछ सीख मिलता है। कोई भी फील्ड बहुत आसान नहीं होता, आपकी बातों से लग रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। डाइटिंग तो बहुत दिक्कत है, घर में खाने का बहुत चीज़ पड़ा हो और आप डाइटिंग कर रहे हो। हाँ। तब तो बहुत कठिन हो जाता होगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को करना चाह रहे हो तो वो कठिन नहीं होता है, वो आपकी खुशी हो जाती है फिर कि करना है तो करना है। चलिए, आपके फादर मदर जैसा और लोगों का भी विचार बने। हाँ। हम लोग भी यही चाहते हैं। और आप हमारे दर्शकों के एक बात और चलते चलते अभी बता दीजिए कि मुंबई को आपने अपना आखिरी पड़ाव बनाया है, बॉलीवुड को। नॉट ओनली मुंबई बट आई वॉन्ट कि नॉट ओनली इंडिया बट इंटरनेशनली भी हम राज करें, और बस हॉलीवुड में भी जाना है। हॉलीवुड तो आपने आदर्श किसे बनाया है, किस हीरो और हीरोइन को आपने अपना आदर्श बनाया है? मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, उनकी अदाएं बहुत पसंद है, और ऐसे मेरे इंस्पिरेशन हमेशा से मेरी मम्मी ही हैं, नॉट हीरोइन बट मेरी मम्मा, क्योंकि मुझे हर चीज़ के लिए वो मोटिवेट करती है। मुझे कुछ भी करना हो तो हमेशा मेरा साथ देती है, तो उनके वजह से हम और ऊँचा 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 सोच पाते हैं और आगे जाने का सोचते हैं। और हीरो में आपका पसंदीदा हीरो कौन है? हीरो में मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। चलिए, हम लोग बहुत संक्षिप्त में आगे जब आपकी कामयाबी और
हम लोग के सामने आए तो उस समय हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपने आवाज़ टीम के साथ कामयाबी के साथ। हजारीबाग का नाम आप रोशन कीजिए। धन्यवाद।